आज हम लोग HSTS की कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के सारी की सारी बातें बताऊंगा और स्टार्टिंग से कंप्लीट हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं। बिल्कुल मैं एक गेस्ट मोड ओपन कर लेता हूं जिससे कि कोई भी चीज़ें सजेशंस ना आए। बिल्कुल बेसिक से भरेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने होगी तो आप देख के आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको HSTS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है। बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इनकी, तो आपको सिंपल सर्च करना है HSTES। ठीक है, सर्च किया HSTS। अब आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे आएगा HSTS.org.in, इस पे नहीं जाना है, ये ऑफिशियल पेरेंट वेबसाइट हो जाता है। उसके नीचे वाला जो आता है टेक एडमिशंस HRY.gov.in, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी 7 जून को जो है 11:45 में स्टार्ट हो गई थी सारी की सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर या साइन अप दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। फ़ोन से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल आप मुझे सुनते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्लिक हेयर टू रजिस्टर या साइन अप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरे सामने कुछ गाइडलाइंस आती है, कुछ चीज़ें आती है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया यस आई हैव रेड ऑल दी एवब मेंशनड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आई अग्री के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब मेरे से सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका कोर्स कौन सा। मैं कहता हूँ मेरा बीई बीटेक कोर्स है। ठीक है, क्या आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं? हाँ, मैं हरियाणा का हूँ। अगर आप नहीं हो तो आप यहाँ पे नहीं को टिक करोगे। नहीं को टिक करोगे तो आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। हाँ को टिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास PPPID, परिवार पहचान पत्र आईडी या फिर फैमिली आईडी है। हाँ मेरे पास है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। हाँ मेरे पास है, मेरे पास है। ठीक है, अब मैं PPPID को यहाँ पे एंटर करता हूँ। PPPID को अपन एंटर करते हैं। मैं मेरे किसी YMCA के टीचर से बात हुई थी हाँ सर, वो कह रहे थे आप CRL रैंक का अलग फॉर्म भरी हो और उसका मतलब है ODC का रैंक का अलग अलग फीस दी हो दोनों की, हाँ नहीं और नहीं इसके बाद हाँ बताइए डुप्लीकेट डुप्लीकेट फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब है पक्का जो दो फॉर्म आप भरेंगे उसमें से आपका एक रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कंफर्म हुआ अगर। पक्का पक्का पूरा लिखा हुआ है उनकी ब्राउज़र में, ये चीज़ मैंने वीडियो में बताया था। अच्छा, एक बात और सुनिए, अब जैसे CR रैंक और OBC रैंक का दोनों का एक ही बार में एक ही में काम चल जाएगा, फिर ये हाँ, वो उसमें आपका अपने OBC रैंक का और OBC का जो रैंक है उसका बेनिफिट मिलेगा ना अपना। आपसे रैंक मांगेंगे ही नहीं, आपके जेई मेंस का वो डिटेल मांगेंगे, रैंक खुद ब खुद इनको पता चल जाएगा। नहीं, OBC रैंक, OBC का कुछ बेनिफिट मिलेगा ना अपने। हाँ, कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा, बिल्कुल अच्छा, मिलेगा। OBC रैंक का कोई बेनिफिट नहीं मिलता फिर। जोसा में मिलता है, लेकिन जोसा में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जोसा सी साहब में। मैंने अच्छा जी, यहाँ पे OTP एंटर कर दिया। अब मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने किया, मेरी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। जैसे योगेश मेरा नाम हो गया, सोनू फादर्स नेम है, पुष्पा जो है मदर्स नेम, और आपका जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, कैटेगरी आ गई, आप PWD वगैरह लगती है आपकी, इनकम आ गया आपका, आप कौन सी कैटेगरी है आपकी, BCA है तो BCA आ गया, आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, और पासवर्ड यहाँ पे आपका आप बना लोगे। ठीक है, तो ये देख लो अनवेरीफाइड जो आ रहा है ना, अनवेरीफाइड, इसका मतलब ये है, अनवेरीफाइड का मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं जो इनकम है, जो आप PPPID है उसके अंदर आप वेरीफाइड नहीं है आपकी डिटेल्स। तो उसके लिए आपको PPP की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे PPP, ठीक है, गए इस वेबसाइट पे, मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आप जाओगे। डू यू नो परिवार पहचान पत्र, यस। और यहाँ पे आप फैमिली आईडी अपनी सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद एक OTP आएगा, और आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपकी कोई भी डिटेल इसमें गलत है, कोई भी डिटेल जो है आपने भरा हुआ है, और वो डिटेल आपका यहाँ पे मान लीजिए आप BCA नहीं, आप BCB के अंदर आते हैं और यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, तो आप PPPID को जाके अपडेट करवाएं। इस वेबसाइट पे आप जाओगे मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन, यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी को एंटर करोगे, सर्च करोगे, और उस चीज़ को अपडेट आप कर दोगे, और वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होता है तुरंत आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, तुरंत आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा BCA, ये शो होने में 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपका है कि मेरी कैटेगरी तो ये थी एक्चुअल में, तो फैमिली आईडी को बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं, तो उसमें भी ये रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है लेकिन रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, बात को समझ गया, लिखना होगा, और जेईई मेन का रोल नंबर यहाँ पे मुझे लिखना होगा।
तो एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी डिटेल भर दी है। एक बात समझने लायक है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर लिखोगे जेई का, जो कि 2303 ऐसे करके स्टार्ट होगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे, रोल नंबर उस सेशन का लिखोगे, आपके दो एग्जाम हुए हैं, दो एग्जाम हुए तो दो रोल नंबर होगा आपका जेई का, इस बात को ध्यान रखें। जिस भी सेशन में आपके अच्छे परसेंटाइल आए होंगे उस सेशन का रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत लोग कहते हैं भैया कैटेगरी रैंक से एडमिशन होता है, नहीं, भैया सीआरएल रैंक से ही आपका एडमिशन होता है किसी भी काउंसलिंग के अंदर, जोसा को छोड़ के। सिर्फ जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक लगती है, ठीक है, तो सीआरएल से एडमिशन होता है, आपको कैटेगरी का फायदा जरूर मिलता है यहाँ पे, इस बात को समझे, ठीक है। तो आपको रैंक लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको कैटेगरी रैंक कहाँ लिखोगे आप ये बताओ मुझे, कैटेगरी रैंक कहाँ लिखोगे? आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर से ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा रैंक, आपको डालने की भी जरूरत नहीं है। तो सारी डिटेल मैंने भर दी, अपना पासवर्ड बना लिया यहाँ पे, इसमें जो सिक्योरिटी कोड को एंटर कर दिया, सारी चीजें यहाँ पे भर दी है। जो EWS और TFW वगैरह होंगे उनको यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो जनरल दिखेगा, जो ये श्रेणी है उसके नीचे यहाँ पे जनरल दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इलिजिबल कैटेगरी एज पर एनुअल इनकम में यहाँ पे आपको TFW EWS वगैरह दिखेगा, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइनअप के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। सम इशूज हैज अकर्ड, ट्राई अगेन, ओके भाई। सिक्योरिटी कोड को मैं दोबारा लिखता हूँ, MZ59N1, ठीक है, साइन अप टू, ओके। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, 2303, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है मेरा, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? ओके, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन हो चुका है लगभग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं होम पेज के ऊपर में दोबारा से, ठीक है, आ गए यहाँ पे, इसको कट कर दिया। क्लिक हियर टू लॉग इन या साइन अप के ऊपर में, यहाँ पे साइन इन के ऊपर में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स के अंदर हम लोग BE BTECH सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर आपका JEE Mains का एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे, जो कि 2303, ओके। पासवर्ड जो आपने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी कोड को आप एंटर करेंगे, लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे, लॉगिन हो चुका है मेरा, ठीक है, इस बात को समझे आप, लॉगिन हो गया। सारी की सारी डिटेल आपको दिख जाएगी यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, कैटेगरी वगैरह सही है। सब कैटेगरी आपकी कौन सी लगती है, क्या आप एक्स सर्विस मैन है, फ्रीडम फाइटर है, नहीं इनमें से कोई नहीं है, तो ओपन डाल देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या इनमें से कुछ अप्लाई होता है आपका, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर या ट्यूशन फी वेवियर, ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ भी है, लेकिन खैर इसको रहने देते हैं, ठीक है। आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, एड्रेस को डालने के बाद यहाँ पे आप 12th की डिटेल्स डालेंगे और फिर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, समझ गए बात को, सारी चीज़ें आप भर लेंगे आराम से, अभी भरते हैं इसको। तो मैंने सारी की सारी जानकारी यहाँ पे एंटर कर दी है, एड्रेस डिटेल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ों को एंटर करके आप यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं 12th की डिटेल्स अपनी एंटर करोगे। अगर आप पास हो चुके तो आप पास डालोगे, नहीं तो आप ईयर डब डालोगे, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल को भरने के बाद अपडेट डिटेल्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अदर डिटेल्स के ऊपर में आ गए, जहाँ पे हमसे बैंक की डिटेल्स मांगी जाएगी। वेदर अवेलिंग एजुकेशनल लोन, नहीं एजुकेशन लोन नहीं अवेल कर रहे, यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो, अभी कौन ले रहा है, ठीक है, अभी कोई नहीं ले रहा है, तभी बाद में लोगे या नहीं ये नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, तो इसमें नो कर देना। और बाकी आप अपना जो है अकाउंट का डिटेल यहाँ पे एंटर कर देना, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी डिटेल भर दी, बैंक की डिटेल्स भर दी, बैंक की डिटेल भरने का कोई मतलब ऐसे है नहीं, खैर, क्योंकि पैसा वैसा रिफंड आएगा नहीं, पैसा आपको कॉलेज में जाके ही जमा करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तभी आपका एडमिशन होता है, तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन खैर ठीक है। सारी डिटेल को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे NCC कैंडिडेट, NSS नहीं है, NCC कैंडिडेट नहीं, अगर आप हैं तो हाँ कर देना, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ये सब क्यों मांगते हैं पता नहीं यार, ठीक है, चलिए चलिए।
अब यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड कर देंगे, फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो भाई, साइन तो अपलोड हो गया लेकिन फोटो अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे इमेज रिसाइजर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर में। इमेज रिसाइजर के ऊपर में सर्च करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ ना मेरे साथ फॉर्म भरोगे, आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, क्या क्या परेशानियाँ आती है, सभी का निदान कैसे होगा वो भी बताऊंगा साथ ही साथ। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? कह रहा है 30 KB से कम का होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है 30 KB से कम का कर देंगे, यहाँ पे 30 लिख दिया ठीक है। कह रहा है JPG वगैरह के अंदर होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है वो भी कर देते हैं भाई, JPG कर दिया ठीक है। लॉक एस्पेक्ट रेशियो, हाँ लॉक कर दो इसको, रिसाइज इमेज 30 KB से कम का अपना इमेज बन के आ जाएगा और 29 KB का बन के आ गया। देख लो आप, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गया, यहाँ पे अब सीधे चले गए और देखो आप फोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे, कर दिया आपने, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर करेंगे अपने मार्क्स, डिजी लॉकर से फेच करेंगे तो नहीं 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 भैया, डिजी लॉकर वगैरह से फेच नहीं करना है, एक बार करके देखते हैं ठीक है क्या होता है। फेच डेटा फ्रॉम डिजी लॉकर कर लो भाई, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता ये लोग सफल हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इनके पास भी बड़ी अथॉरिटी है, ये लोग कर सकते हैं, देखते हैं भाई देखते हैं। नहीं होगा तो खैर हमें मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, उसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि डिजी लॉकर से फेच नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो चलो भैया करते हैं कैलकुलेशन। एग्रीगेट मार्क्स मतलब पांचों के अंदर टोटल कितने मार्क्स हैं, तो 70, 80, 150, 70, 220, 70, 290, 900, 16, 360, 760, 61, 4, 72, 9, 81, तो 381 ठीक है। मैं इसको एंटर कर लेता हूँ फिर आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे 218 PCM में कितने आए हैं उसको पूछ रहे हैं ठीक है, तो एंटर कर दिया क्या सही है क्या 218? अरे भाई ये 300 का होता है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, भी सोचूं 46% कहाँ से आ रहा है यार। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद चले जाएंगे अगले पेज के ऊपर जहाँ पे हमें सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करनी है। इसीलिए इस पेज को पहले मैं हाइड कर दूंगा ताकि आपको कुछ ना दिखे सामने ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, आप लोगों को यहाँ पे अपनी सारी डिटेल दिखेंगी जो कि आपने भरा हुआ होगा। उसके बाद नीचे आई डिक्लेयर द डिटेल्स मेंशन डेमो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कंफर्म डिटेल के ऊपर में क्लिक कर दोगे। कंफर्म डिटेल के ऊपर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अगले पेज के ऊपर में जाएंगे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं फिर से बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करना है। सबसे हेक्टिक काम क्या होता है पता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और साथ ही साथ बताता हूँ ना फ़ोन से भी आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल इजीली, क्योंकि बस आपको फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करना है जो कि ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है। उसके बाद अलावे आपको ना ही कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ एंटर नहीं करना है, PPP ID से सारी चीज़ें फेच कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। PPP ID को आप अपडेट कर लो, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा ठीक है। क्वालिफिकेशन का आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद बैकवर्ड क्लास का आप डालोगे, बैकवर्ड क्लास का नहीं डालना है भाई, PPP से वेरीफाइड है ऑब्वियसली, बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। 10th की DMC आप डालोगे ओके, जो कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, और क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अंदर क्या डालना है भाई साहब? चलो भाई क्वालिफिकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे 12th की डिटेल्स डाल देंगे ठीक है, चलते हैं ठीक है ओके। रुको भाई सुनो मेरी बात, क्वालिफिकेशन के अंदर JEE का स्कोर कार्ड आपको डालना है क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम आपका JEE मेंस था, और 10th की DMC या डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के अंदर आपको जो है पहले मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये रोल नंबर से काम चल जाता है, रोल नंबर एंटर करके ऑटो फेच करता है नहीं करता उसको देख लेता हूँ एक बार। 102 13 भाई ठीक है, तो ऑटो फेच नाम का सिस्टम ऐसे ही है यार, बात को समझो ऐसे ही है सब। एक सीरियल नंबर करके कुछ तो है, क्या वो सर्टिफिकेट नंबर है? 38 1096 ऑटो फेच किया, अपलोड ही करना पड़ेगा आपको, समझो मेरी बात, अपलोड ही कर देना।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जेई का अपलोड कर दिया, अपलोड के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अच्छा, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका PDF जो है 100 KB से ज़्यादा का बन गया तो आपको क्या करना है। आई लव PDF पे सर्च करना है, आई लव PDF सर्च करना है, आई लव PDF पे जाना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्रेस PDF के ऊपर में क्लिक कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट PDF फाइल्स पे क्लिक कर देना है, और मैं यहाँ पे जेई योगेश क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंप्रेस कर दिया। अब इसको जो है ओके 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 ओके, यू कैन नॉट कंप्रेस दिस, ठीक है। दोबारा करेंगे इस पे, जे योगेश एक्सट्रीम कंप्रेशन, कंप्रेस PDF 74 KB का बन चुका है, डाउनलोड कंप्रेस्ड PDF, ठीक है, हो चुका है। एक और है हमारे पास 12th की मार्कशीट, आई थिंक वो ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 10th की मार्कशीट, वो ओके है। जे योगेश कंप्रेस्ड डाला, अपलोड पे क्लिक किया, ओके किया, इट इज़ अपलोडेड, ठीक है। अब यहाँ पे 10th ऑटो फेच नहीं होगा भाई, ये सब ऐसे ही है। ये 12th योगेश है लेकिन 10th का एक्चुअल में नाम गलती से हो गया सेव, ठीक है, उसको आप ध्यान मत देना। ओके, ये भी 100 KB से ज़्यादा का है, तो इसको भी कर लेंगे। अब तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे इसको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे से ज़्यादा फास्ट कर लेंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ों को कर लेंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है वो काबिलियत है आप सभी में, ठीक है। इसको चूज़ फाइल के ऊपर मैं क्लिक किया, 12th योगेश कंप्रेस्ड, ये 10th का है भाई, 12th का नहीं है, 10th का है, नाम गलती से सेव हो गया मेरे से, क्या कहूँ अब मैं। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी की पेमेंट हम लोग करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, क्या भाई, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक किया। पेयू से करना है, ICICI से करना है, चलो मैं पेयू से कर देता हूँ, या जिससे से भी आपको करना है। पेयू से जो है आप हमारा भी पेमेंट कर सकते हैं, पेयू से याद आया, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके जो है कहीं ना कहीं पेमेंट को कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, 399 के अंदर पूरी HSTS की काउंसलिंग हम आपको करवाते हैं। यहाँ पे सर्च करना है कॉलेज मित्रा, जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर हमारी अपनी वेबसाइट आ जाती है, इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर में क्लिक करते ही आपको सामने ये दिखेगा, ज्वाइन प्रीमियम सपोर्ट फॉर ओनली 399 पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एड्स आएंगे, तो इसको क्लोज कर देंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज आप देख सकते हो, अनलिमिटेड कॉल्स, वॉइस फिलिंग, गूगल मीट के सेशंस, ईबुक्स आपको मिलेंगे, जो हरियाणा HSTS काउंसलिंग की बेस्ट ईबुक आपको मिलेगी, प्रॉपर कैसे का कौन सा टूल क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, सारी गाइड आपको मिलेगी उस ईबुक के अंदर। पर्सनलाइज्ड मेंटर है, चैट सपोर्ट है, सीनियर इंटरेक्शन, पर्सनल डैशबोर्ड आपको, ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करके लॉग इन करते हो साइड में, और उसके बाद आप इस वेबसाइट को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। परचेज नाउ के बटन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स को अपना फिल करेंगे, जैसे मैं भरता हूँ आदित्य, ईमेल आईडी भरता हूँ aditya@google.com, ठीक है। गूगल में एक वो और डाल देता हूँ, 0 डाल दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने ये डाल दिया, पासवर्ड के अंदर मैंने डाल दिया 3 4 5, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दो, मेल के अंदर जिसमें डाल दिया, और HSTS की काउंसलिंग आपको परचेज करनी है भैया, ये डिटेल सही सही डालना है आपको, ठीक है, नहीं तो पेमेंट आपका होगा, फिर हम लोग कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे आपको दोस्त, ठीक है। जे मेंस की अपनी रैंक एंटर कर देते हैं, स्टेट मेरा हो जाता है बिहार, बिहार, कैटेगरी जनरल, सबमिट नाउ के बटन पे हमने क्लिक किया। अच्छा, ओके, एट द रेट होना चाहिए यार, एट द रेट होना चाहिए, ईमेल सही से एंटर करना तो आपकी सारी चीज़ हो जाएगी। पे नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया, देखो अब आएगा पेयू, पेयू का गेटवे आएगा भाई साहब, ठीक है। देखो पेयू का पेमेंट गेटवे आ गया, 399 की पेमेंट आपको करनी है, आप UPI से कर सकते हो, आप चाहे वो गूगल पे से कर सकते हो, आपको जो है UPI ही गूगल पे होता है, आप वॉलेट से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, जिससे आपको करना है पेमेंट कर सकते हो। 399 की पेमेंट होते ही आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं आपको बता दूं कि आप इसको छोड़ो भाई, बोल जाओ इसको, कॉलेज मित्रा डॉट, अच्छा, आ गया, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे जो है इस पेज को एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं, कैंसिल कर, ऐसे किया, ठीक है, कॉलेज मित्रा, ये हो गया हमारा प्रीमियम पोर्टल, ये हो गया प्रीमियम पोर्टल। इस पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको दी जाएगी, जिससे आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके आप हमारी सारी प्रीमियम फैसिलिटीज को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आपकी HSTS काउंसलिंग पूरी की पूरी बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाली है। तो इस चीज को जरूर से परचेज कर ले, सिर्फ 399 के अंदर। बाकी हमने फॉर्म भरी लिया है हरियाणा का HSTS का, उसको आप देख लें, आराम से कंप्लीट कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।